नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है, जितनी लंबाई रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, शोल्डर ले लीजिएगा 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच। 34 साइज का बोट नेक पर ये ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन है। बोट नेक के अकॉर्डिंग हमने 7 इंच इसका शोल्डर और आर्म होल ले लिया है। लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट लेते हुए गले का देखिए चौड़ाई का निशान लगाया। अब हमें यहाँ से ऊपर से लेना है 2.5 इंच। अब यहाँ से 2 इंच 2 इंच 2 पॉइंट लिया है नीचे वाला निशान, ऊपर वाला 2.5 इंच। अब सीधी लाइन नीचे तक कर देनी है। उसके बाद देखिए नीचे वाले गले का इस तरह से निशान करेंगे। ये हमें इस तरह से कर लेना है। बीच में ये 2 इंच 2 पॉइंट छोड़ना है और ऊपर बोट गले का निशान किया। तो ये सब करने के बाद हमें इसे निकालना है बुकरम के ऊपर। अब बुकरम की लंबाई भी कपड़े से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेनी है, कपड़े की लंबाई के बराबर ही लेनी है लगभग। अब पूरा निशान देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसको जहाँ से फोल्ड किया था दोबारा से वहीं से फोल्ड करना है और इस तरफ भी निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से निकालना है। अब जहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे थोड़ा सा बचाते हुए। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हमें कपड़े और अस्तर पर सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है। तो ये देखिए हमने सिलाई इस तरह से हमें लगा लेनी है। अब साइड से सिलाई डाल देंगे, नीचे की तरफ से कंप्लीट किया, अब साइड से इस तरह सिलाई डालनी है। तो हमने सिलाई देखिए लगा ली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से कट करना है। अब बराबर से फोल्ड करते हुए सेंटर लाइनिंग इसकी कर लेनी है। अब गले को देखिए कपड़े पर रखकर हमने एक सीधी सिलाई डाल दी है। अब इस तरह से रखना है इसको, दोनों निशानों को मिलाकर रखना है। यहाँ तक सिलाई डालेंगे और यहाँ पर सिलाई हमने उठा ली है क्योंकि यहाँ से बुकरम कट होगा, पट्टी कट होगी। अब जहाँ से गले का निशान किया है बिल्कुल वहीं से सिलाई लगाना है। ये नीचे वाला गला देखिए इस पर इस तरह से लगा लेंगे, फिर ऊपर वाले गले पर लगा लेंगे। तो ये इस पर लगा ली है। अब ऊपर वाले गले पर लगा लेना है। तो ये लगा लिया। अब इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद पूरे पर हमें कट लगानी है। अब यहाँ से पट्टी को देखिए कट कर लेंगे और ये गला भी, नीचे वाला गला भी कट करेंगे। अब इसे इस तरह से कट करना है और इस पर भी पूरे पर कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलट कर देखिए हमने सिलाई लगा दी। उसके बाद जो गला ऊपर वाले गले की पट्टी को भी पलटते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह सिलाई लगाकर इसे तैयार किया। अब इस पर जो डिजाइन है उसे बनाना है। उसके लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। लंबाई देखिए इसकी हमने 9 इंच ली है और चौड़ाई 6.5 इंच। अब इस तरह से पहले जितनी लंबाई ली है उसके आधे पर निशान करना है। फिर देखिए इस तरह से तिरछा करते हुए ऊपर नीचे इस तरह तिरछा करते हुए निशान करके यहीं से कट कर लेना है। तो इस तरह हमें कट करना है। अब कपड़े पर रख कर भी कट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, फिर जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसे कट कर देंगे। तो कपड़े पर रख कर इस तरह सिलाई लगाएंगे। कपड़े की सीधी वाली तरफ हमने देखिए लाइनिंग वाला कपड़ा रखा है और इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसको कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया, पूरे पर कट लगा देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेना है।
तो ये देखिए इस तरह से पलट कर सीधा करना है और फिर ऊपर से दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। पूरे पर देखिए इसी तरह डोरी से ये डिजाइंस बनानी है। अब आधा आधा इंच दूरी पर लेते हुए इस तरह से लगा दिया, यहाँ पर पास से ही लगेगी बीच में और किनारे से लगभग आधा इंच। अब देखिए बराबर से मिलाकर, देखिए यहाँ पर ये लगेगी, बराबर से मिला कर पहले रख लेना है। अब जहाँ से सिलाई लगेगी, हमने देखिए इस तरह लाइनिंग कर दी है ताकि सिलाई बिल्कुल बराबर से लगे। अब सिलाई लगाते समय कपड़ा देखिए इधर उधर होगा, इसलिए हमने निशान कर दिया है ताकि वहीं से सिलाई लगा सकें। तो इस तरह देखिए दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए इस डिजाइन को यहाँ पर लगा देना है। तो ये लगा दिया, अब ऊपर जो बचा है उस पर इस तरह डोरी बनाकर कट कर लेना है और डोरी से ये पूरे पर इस तरह से डिजाइंस बनानी है। तो पहले नीचे की डिजाइंस लगा देंगे, उसके बाद जो ऊपर आएगा उस पर पूरे पर ये लगाना है। तो ये देखिए इसे लगा दिया है। इसे लगाने के बाद अब इस पर हमें मोती लगानी है डोरी वाली डिजाइंस पर। तो पहले इस पर पूरे पर मोतियां लगा लेंगे। तो एक एक करके इस तरह हमने मोती लगा ली है। अब इस तरह से तीन लटकने बना कर लेंगे, कपड़े की ही लटकन बना कर हमने ले ली है। अब इस तरह से इसे लगाना है। अब इसको धागे में डाल लेंगे, धागे को पक्का करेंगे, फिर इसमें मोती डालेंगे। छः सात हमने मोतियाँ डाली, फिर यहाँ पर ले जाकर लगा दिया। इसी तरह दूसरी लेनी है, दूसरी पे थोड़ा कम मोती डालनी है, इससे थोड़ा छोटी रखेंगे, बीच वाली थोड़ी बड़ी। अब एक इस साइड से और एक इस साइड से लगा देना है। तो ये लटकन लगाने के बाद डिजाइन हमारा बनके देखिए तैयार हो जाएगा। ऊपर भी मोतियाँ लगा देंगे। अब जैसे हमने नीचे लटकन लगाई, उसके बाद डोरी के बीच में करते हुए तीन लाइन यहाँ पर भी लगाएंगे। हर एक डोरी के बीच में से जहाँ से डोरी लगाई है इस तरह मोती लगा देनी है। एक लाइन देखिए इस तरह से हमने लगाई, इसी तरह से दो लाइन और लगा लेनी है। तो हमने लगा दिया है। अब डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। लास्ट में इसका दोनों प्लेट्स बना देंगे, उसके बाद डिजाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप बोटने के लिए पर डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। डिजाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।